वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं शेली होटल्स लिमिटेड के बारे में। एंड इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर आज आप एक बहुत एक्साइटिंग चीज भी प्रॉब्ली सीखेंगे। सबसे पहले इनका पोर्टफोलियो देखते हैं। इनके पोर्टफोलियो के अंदर कुछ जो होटल की रेंज है उसमें नोवोटेल आता है, मैरियट आता है, इसके अलावा वेस्टर्न आता है, एंड कुछ इनके पास में कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हैं। वो सब आपके स्क्रीन पर आ रहे होंगे जो इनके पोर्टफोलियो है। एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज का हमने यहाँ पे प्रॉपरली जो इनके पास स्पेसेस है वो आपको देखने को मिल रही है। तो वो एक अच्छा फैक्टर है यहाँ पे कि इनके पोर्टफोलियो में कमर्शियल साइट्स भी हैं और बेंगलुरु के अंदर है, तो वो और मेजर एडवांटेज प्रोवाइड करता है, बिकॉज बेंगलुरु बीइंग द हब, तो वो एक एडवांटेज है। अब यहाँ पे नंबर्स को डिस्कस करते हैं। क्वार्टर वन रिजल्ट्स के सेल्स ग्रोथ देखने को मिली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सिमिलर लेवल्स पे रहा, बट अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो उसके अंदर आपको एक मेजर स्पाइक देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने भी जब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा कि भाई ये कैसे स्पाइक आई है, तो यहाँ पे प्रॉब्ली कोई टैक्स डिस्क्रिपेंसी थी जो कि अब सॉल्व हुई है। यहाँ पे जो टैक्स था इन लोग के पास में नेगेटिव के अंदर था, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो अगर आप कंपनी का देखेंगे, जो कि हम बाकी एपिसोड्स में नहीं डालते हैं, हमने इस वाले एपिसोड में स्पेशली डाला, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो 39 करोड़ था, जो कि कम होकर 37 करोड़ हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे नेट प्रॉफिट 89 करोड़ का जो देखने को मिला वो प्रॉब्ली कोई टैक्स की वजह से रहा है। एंड ये जो नंबर सिर्फ नेट प्रॉफिट के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, बट वो टू गुड टू बी ट्रू वाली स्टोरी है थोड़ी सी। तो वो एक फैक्टर मुझे लगता है यहाँ पे आपको देखना चाहिए। एंड आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होगा वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है। इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% से कम होकर 35% तक हुआ था, तब भी हमें डाउट हुआ कि इस तरीके का नेट प्रॉफिट नहीं हो सकता, तो वो देखने वाली चीज थी। बट एनी वेज, हम लाइक वी वर सेइंग, यहाँ पे आने वाले क्वार्टर्स का रिजल्ट देखना काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर इससे भी बेटर अगर जंप आता तो वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट होगा एंड प्रेफरेंस दिखाएगा। ऑल दो ये जो ब्रांड्स हैं इनके पास में है, क्योंकि इनके पास में लिमिटेड लोकेशंस है, तो ब्रांड्स जो इनके पास में वो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, वो एक एडवांटेज ये एंजॉय करते हैं। को लेकर चलता हूं दोस्तों एंजल वन के ऐप पर और आपको वहां दिखाता हूं कि स्टॉक बाय करना है कितना आसान। बट प्लीज इस स्टॉक को रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंजल वन के ऐप पर, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे सर्च सर्च करेंगे HDFC बैंक को, एंड उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में कुछ डेटा पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा बाय पे, एंड उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा लिमिट ऑर्डर को, क्योंकि लिमिट ऑर्डर से मैं ले सकता हूँ अपने लिए एक बेस्ट प्राइस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बिड प्लेस करके छोड़ दूंगा। अगर मेरे प्राइस पे कोई सेलर आया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड मुझे वो स्टॉक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, एंड हम लोग फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।